दोस्तों दूसरे दिन भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर केवल पूरा हिंदुस्तान ही खुशी से नहीं झूमता बल्कि खुद न्यूजीलैंड के महानतम खिलाड़ी केन विलियमसन भी काफी प्रभावित हुए और फिर बयान देते हुए उन्होंने गिल अश्विन के साथ साथ जडेजा की तारीफ में बहुत कुछ कह दिया। तो आखिर केन विलियमसन ने टीम इंडिया के प्रदर्शन पर क्या कुछ दिया बयान, कैसे भारतीय टीम ने दो दिन में ही खत्म कर दिया तीसरा टेस्ट, विलियमसन का वो दिल जीत लेने वाला बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें न्यूजीलैंड की टीम ने इस मुकाबले में सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के आगे पूरी टीम 235 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद टीम इंडिया को बैटिंग करने का मौका मिला तो भारतीय टीम ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया, पूरी टीम 263 रनों पर सिमट गई। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 90 रनों की लाजवाब पारी खेली तो वही ऋषभ पंत ने 60 रन बनाकर इंडिया को मुसीबत में यहां तक पहुंचाया, लेकिन दूसरे दिन ही न्यूजीलैंड को एक बार फिर बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया, लेकिन इस बार भारतीय गेंदबाजों ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ गए। जी हां, रविंद्र जडेजा की फिरकी और अश्विन की करिश्माई जादू के आगे न्यूजीलैंड के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके, जहां पर जडेजा ने 4 विकेट अपने नाम किए तो वहीं अश्विन ने 3 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर और आकाशदीप को एक एक विकेट मिला और न्यूजीलैंड की टीम 171 रनों के स्कोर पर अपने 9 बल्लेबाज खो गई, जिसे देखकर तो अभी से लगने लगा टीम इंडिया की जीत काफी नजदीक है। पूरे स्टेडियम में खुशी का माहौल छा गया, वहीं भारतीय खेमे में भी जीत की खुशी नजर आ रही थी। हर तरफ रविंद्र जडेजा, अश्विन और शुभमन गिल का डंका बज रहा था। वहीं इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर खुद न्यूजीलैंड के बेहतरीन खिलाड़ी केन विलियमसन भी काफी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने बयान देते हुए दिल जीत लेने वाले शब्द कह दिए और उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ केन विलियमसन ने बयान देते हुए कहा है, कैसे भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ की है। केन विलियमसन ने बयान देते हुए भारतीय टीम की तारीफ में कहा कि तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन काफी शानदार रहा, मुकाबला देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया। हमारी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाया, लेकिन सच कहूं तो भारतीय गेंदबाजों ने दिल जीत लिया, हमारी टीम को कुछ ही घंटे में समेट कर रख दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं अश्विन और जडेजा की कम है, ये दोनों गेंदबाज मेरे सबसे पसंदीदा हैं। इन दोनों गेंदबाजों को मैच पलटना बखूबी आता है और उन्होंने वही काम किया, साथ ही साथ ऋषभ पंत और शुभमन गिल की भी तारीफ करनी होगी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से निकालने का काम किया और मजबूत स्थिति में ले जाकर पहुंचा दिया, जहां पर टीम इंडिया ने हमारी टीम के साथ लड़ाई लड़ी। मुकाबला बेहद दिलचस्प था, दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अपने खिलाड़ियों से काफी प्रभावित हूँ। सीरीज तो हमने जीत ली है जिसकी खुशी में बयान नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से केन विलियमसन भी भारतीय गेंदबाजी और बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखकर काफी खुश है, लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर न्यूजीलैंड की टीम को तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन घुटने पर टेकने पर कर दिया मजबूर। जडेजा ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 से अधिक विकेट लेकर तोड़ दी टीम की कमर, जिसे देखकर केवल पूरा हिंदुस्तान ही नहीं खुशी से झूम उठा बल्कि दुनिया भर के दिग्गज भी इन दोनों गेंदबाजों की तारीफ करते हुए करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो आखिर किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ दिया बयान, कैसे जडेजा और सुंदर के तूफान में उड़ गए कीवी बल्लेबाज, दिग्गजों ने क्या कुछ कहा वो तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाज किस इरादे से उतरने वाले हैं, क्योंकि यह मुकाबला टीम इंडिया को जीतना बेहद जरूरी था और पलटवार करना भारतीय टीम को बखूबी आता है और वही हुआ। भारतीय टीम को पहली सफलता तो आकाशदीप ने दिलाई, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने मिलकर मैच का पूरा रुख पलट दिया, जिसे देखकर बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान रह गए। आपको बता दें इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया की मैच में वापसी करा दी। रविंद्र जडेजा की फिरकी के आगे विलियम से लेकर टॉम ब्लेंडल यहां तक कि ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी के साथ साथ ईश सोडी भी मैदान पर टिक नहीं सके, पूरी टीम इन दोनों फिरकी गेंदबाजों के आगे घुटने पर टेक बैठी। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी 4 विकेट अपने नाम किए, लेकिन पूरे क्रिकेट जगत में रविंद्र जडेजा का डंका बजने लगा। हर कोई इस गेंदबाज को देखकर हैरान हो गया और हो भी क्यों ना, वानखेड़े के मैदान पर जडेजा ने एक बार फिर बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम पूरी 65.4 ओवर में ही 235 रनों पर
पर सिमट गई। गेंदबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। हर तरफ इस खिलाड़ी की तारीफ होने लगी। करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत गया। इतना ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज भी रविंद्र जडेजा को गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए और फिर जडेजा के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर के लिए तारीफ करते हुए दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बयान दिया। तो चलिए अब हम आपके इंटरव्यू दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। इंटरव्यू देते हुए रॉस टेलर ने बयान देते हुए कहा कि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। गेंदबाज रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी होगी। इस गेंदबाज ने हमारी टीम को खूब परेशान किया और हमारे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। मैं इस गेंदबाज की गेंदबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हूँ। 5 विकेट लेना आसान नहीं होता है, लेकिन जडेजा ने कर दिखाया। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। साथ ही वॉशिंगटन सुंदर ने भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया। ये दोनों स्पिनर हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। अब हमारी टीम को दोनों गेंदबाजों से बचकर रहना होगा। मुझे पूरा भरोसा है हमारी टीम जरूर वापसी करेगी। साथ ही साथ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी रविंद्र जडेजा की तारीफ करते हुए कहा है, वाह, आज मैं जडेजा और सुंदर के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। जितनी भी तारीफ करूं इन दोनों गेंदबाजों की कम है। जबरदस्त खेल देखने को मिला। 5 विकेट लेना टेस्ट मैच में आसान नहीं होता, लेकिन रविंद्र जडेजा ने कर दिखाया। मुझे इन दोनों खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा था। ये खिलाड़ी टीम को मुंबई के मैदान पर जीत दिला सकते हैं, क्योंकि वहीं का मैदान बिल्कुल भी अलग है। वहां स्पिनरों को काफी मदद मिलती है और मैच में वही देखने को मिला। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, ये मैच हम जरूर जीतेंगे। वहीं शोएब अख्तर ने भी रविंद्र जडेजा और सुंदर की तारीफ में कहा कि क्या शानदार टेस्ट मैच देखने को मिला। दो गेंदबाज ने मिलकर न्यूजीलैंड टीम को ध्वस्त कर दिया। जबरदस्त प्रदर्शन टीम इंडिया ने दिखाया। रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी होगी। इस गेंदबाज ने अकेले न्यूजीलैंड के बड़े बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। जडेजा इस उम्र में भी विकेट ले रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में है, इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज कहा जाता है। वैसे भी जडेजा और सुंदर मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हैं। आज का खेल देखकर मजा आया। रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान देते हुए कहा कि जडेजा ने जबरदस्त खेल दिखाया, वॉशिंगटन ने मैच को खत्म कर दिया। ये देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। जितनी भी तारीफ की जाए इन दोनों गेंदबाजों की कम है। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि टीम इंडिया ये मुकाबला जरूर जीतने वाली है। जिस तरह से उनके खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, होनी भी चाहिए। टेस्ट मैच में हार का बदला लेना होगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गज भी रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी के मुरीद हो गए और तारीफ करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को तीसरे टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंतिम टेस्ट के लिए बदल गई भारतीय टीम की सलामी जोड़ी। रोहित शर्मा की जगह पर इस दिग्गज खिलाड़ी को मिला ओपनिंग करने का मौका। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के अंतिम मैच के लिए भारतीय टीम की सलामी जोड़ी अब पर आ चुकी है। इस बीच रोहित शर्मा की जगह पर एक ऐसे खिलाड़ी को ओपनिंग करने का मौका दे दिया गया है जिसका नाम सुनकर विरोधी टीम के गेंदबाज भी थरथर कांपने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आखिरकार तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की सलामी जोड़ी क्या रहने वाली है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में पूरी टीम के बारे में भी अब हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाज फिलहाल टेस्ट फॉर्मेट में कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जैसा कि आपको बताया, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले 2 मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच भारतीय टीम ने पहले मैच में बेंगलुरु के मैदान पर 8 विकेट से हार का सामना किया और इसके बाद पुणे के मैदान पर भारतीय टीम ने 113 रन से हार का सामना किया, जिसके चलते अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर खेला जाने वाला है। इसके लिए दोनों टीमें अब तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन इस बीच तीसरे मैच के लिए टेस्ट टीम में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर भारतीय टीम की सलामी जोड़ी पूरी तरीके से अब बदल चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से अभी तक पहले 2 मैच के अंदर रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी खेल रही थी, लेकिन अब अंतिम मैच के अंदर भारतीय टीम की सलामी जोड़ी में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल चुका है। दरअसल रोहित शर्मा ने पिछले मैच में बिल्कुल भी बेहतर प्रदर्शन नहीं किया और पिछले मैच के अंदर 8 रन का योगदान दिया और एक पारी के अंदर खाता भी नहीं खोला, जिसके चलते भारतीय टीम को खराब शुरुआत मिलती है और भारतीय टीम का मोमेंटम टूट जाता है। ऐसे में अब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी को अंतिम मैच के अंदर ओपन करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी जगह पर अब शुभमन गिल को ओपनिंग करने का मौका मिलने वाला है, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर थोड़ा बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिला दी थी। ऐसे में अब एक बार फिर से उनके ऊपर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है, जो अपने आप को और अपनी टीम को मजबूत प्रदर्शन के जरिए मजबूती दिलाने का काम करेंगे। ऐसे में आप उनके
साथ में यशस्वी जायसवाल को भी काफी ज्यादा आराम मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ से उनके ऊपर काफी दबाव था जो कि कम हो जाएगा, जिसके चलते ये जोड़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। ऐसे में अब भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने का मौका यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी को मिलने वाला है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में खिलाया जाएगा। इसके अलावा मध्यक्रम में विराट कोहली और सरफराज खान को खेलने का मौका मिलने वाला है। साथ में विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इतना ही नहीं, ऑलराउंडर के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन को खेलने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के तौर पर अब मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह भी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। वैसे में इन खिलाड़ियों के खेलने से भारतीय टीम अंतिम मैच में अपने नाम करने का प्रयास कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट मैच में भारतीय टीम की सलामी जोड़ी क्या हो सकती है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी सरफराज खान और ऋषभ पंत को बेहद खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के पहले दिन आया रविंद्र जडेजा और सरफराज खान का भयंकर तूफान, तो खूंखार ऋषभ पंत ने ठोक डाला तूफानी शतक अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से। इन तीनों खिलाड़ियों ने रच दिया नया कीर्तिमान। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे सरफराज के साथ मिलकर पंत और जडेजा ने रनों की बारिश करते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर न्यूजीलैंड की टीम को खामोश कर दिया? उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज, रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर तो न्यूजीलैंड का घमंड आसमान छू रहा था।